हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में आने वाली एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें जॉब करके आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिप्लोमा और आईटीआई वाले बच्चों को जॉब मिलने के अवसर हैं। 30 मई 2024 को गवर्नमेंट आईटीआई पांडुनगर कानपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हायरिंग हो रही है। मैं बता दूं आपको कि राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में बहुत सारी कंपनियां प्रतिभा करती हैं। जैसे अभी कुछ ही समय पहले मारुति सुजुकी ने कैंपस किया था, हीरो मोटो कार्प में कैंपस किया था, न्यू हॉलैंड कंपनी, डेंसो, दाना ग्रेजियानो, तो बहुत सारी कंपनियों ने कैंपस किया। सुजुकी मोटर तो बच्चों को फ्री में बस द्वारा कंपनी तक उन्होंने पहुंचाया था, आपने वीडियो भी देखा होगा। बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर यहां पे हिस्सा लिया, प्रतिभाग किया। और मैं बता दूं अब जून माह आने वाला है, इसमें भी बहुत सारी कंपनियां हमारे यहां प्रतिभाग करने वाली हैं। जैसे अभी आपने काफ़ी क्वेश्चन पूछा सर होंडा कंपनी कब आएगी, मैं बता दूं होंडा कंपनी से भी बात चल रही है, वो भी आने वाली है। साथ ही साथ सुजुकी मोटर फिर से मैं बुला रहा हूँ आपके लिए, हीरो मोटो कार्प फिर से आपके पास आ सकती है। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ रिपीट मार सकती हैं और बहुत सारी नई कंपनियाँ भी जुड़ रही हैं। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप का अवसर भी है। मैंने जैसा आपको वीडियो में बताया है, कानपुर में भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप मिलने का अवसर मिलेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं पाया है तो वह राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में आकर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संस्थाओं में अप्रेंटिस की भरमार है। मैं बता दूं आपको अप्रेंटिस करने से बहुत सारे फायदे हैं आपको। जैसे बहुत सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट के ऐसे हैं जिसमें अप्रेंटिस करते हैं, जब उनकी वैकेंसी आती है तो आपको 5 से 10% 15% छूट मिलती है, उनको उनकी सीटें कुछ फिक्स रहती हैं। साथ ही साथ बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स की कि जहाँ बच्चे काम करके सरकारी जो एटमॉस्फेयर होता है उसके बारे में सीखते हैं। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मशीनरी है, अत्याधुनिक, जैसे सीएनसी मशीन है, लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, रोबोटिक्स वेल्डिंग है, तो बहुत सारी नए नए इक्विपमेंट मशीनरी आपको सीखने को मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी अपनी आईटीआई कंप्लीट किया है और अप्रेंटिस नहीं किया है तो आप अप्रेंटिस के लिए भी हमारे पास आ सकते हैं और मैं आपको अप्रेंटिस के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा। तो पूरे कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रीज में अप्रेंटिस के अवसर हैं, डीजल मैकेनिक हो, मोटर मैकेनिक हो, कोपा हो, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर है, स्टेनो हो, कटिंग सुइंग हो, ड्रेस मेकिंग हो, टर्नर फिटर मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, किसी भी ट्रेड से आप हो, सब के लिए अप्रेंटिसशिप की भरमार है। यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने नॉन आईटीआई वाले बच्चों को भी मांगा है, जिसमें जिन बच्चों ने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है मार्केटिंग में, और साथ ही साथ एचआर की पोस्ट भी है, जैसे हरनाम मोटर के बारे में मैंने बताया था वहाँ पे एचआर की पोस्ट भी है, जो टेक्निकल फील्ड से डिप्लोमा है, बीटेक हैं, वो सारे बच्चे वहाँ पर प्रतिभाग कर सकते हैं। सेज मेटल कंपनी में भी बीटेक की हायरिंग चल रही है। तो जो बच्चे बीटेक हैं, डिप्लोमा हैं, जिनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, वो सारे बच्चे मेरे पास आ सकते हैं, मैं उनको बताऊंगा। फिलहाल मैं चलता हूं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहां रोज़गार है, डिप्लोमा किस किस ब्रांच आईटीआई में किस किस ट्रेड के बच्चों की रिक्वायरमेंट है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि कौन कौन सी ट्रेड यहां पर मांगी जा रही है। तो ये ट्रेड जो है, देखिए यहाँ पर जो कंपनी ने मांगा है, इनकी रिक्वायरमेंट है स्किल्ड वर्कमैन, जैसे फिटर की 100 वैकेंसी है, कारपेंटर की 150 वैकेंसी है, मेसन ट्रेड मतलब जो आपका मिस्त्री वाले होते हैं उनकी 100 वैकेंसी है, पेंटर वाले बच्चे की 200 वैकेंसी है। अच्छा, यहाँ पर सिविल डिप्लोमा वाले बच्चे आ सकते हैं, सिविल डिप्लोमा के लिए भी अच्छा ऑफर है। तो फिटर, कारपेंटर, मेसन और पेंटर वाले बच्चे
यहाँ पर प्रतिभा कर सकते हैं, और डिप्लोमा सिविल वाले बच्चे प्रतिभा कर सकते हैं। वर्किंग डेज आपका 30 दिन का होगा, वर्किंग आवर आपका 12 घंटे का होगा। लेबर कॉलोनी अवेलेबल है, आपको कॉलोनी भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, खाने का आपको करना पड़ेगा। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तमिलनाडु में है, तो वहाँ पर कंपनी का प्रोजेक्ट चलता है और वहाँ आपका इमीडिएट हायरिंग होगी। देखिए सैलरी में बात करूँ, जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको कंपनी 24,000 रुपये देगी पर मंथ, CTC रहेगा ये, और जो नॉन स्किल्ड वर्कर हैं उनको 20,000 रुपये मिलेगा। यहाँ पर रहना आपको कंपनी दे रही है, खाना खुद से करना पड़ेगा। मुंबई में भी इनकी ओपनिंग है, तो मुंबई में एक डाटा सेंटर खुल रहा है, उस सेंटर का ये काम करेंगे। तो जो बच्चे मुंबई में जाके जॉब करना चाहते हैं तो वो बच्चे भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो कंपनी जैसा मैंने बताया कि कंपनी आ रही है 30 मई 2024 को, जो ट्रेड मैंने बताया है सिर्फ उसी ट्रेड के बच्चे यहाँ प्रतिभाग करेंगे, अन्य किसी ट्रेड के बच्चे प्रतिभाग नहीं करेंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में आपको काम करना होगा। कंपनी लगभग 24,000 रुपये CTC आपको प्रोवाइड कर रही है, रहने का भी इंतजाम कर रही है, खाने के लिए वो एक मेस दे देंगे, एक कुक दे देंगे, जिसका चार्ज आपको ही देना पड़ेगा, और एक साथ मिलके बहुत सस्ते में कुक हो जाता है और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं पड़ता है। तो सबसे खास बात है तमिलनाडु के में जाके आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में जॉब करने का मौका मिल रहा है। मुंबई में भी आपको डाटा सेंटर खुल रहा है, वहाँ पर जाकर जॉब करने का मौका मिलने वाला है। तो इसी प्रकार ये कंपनी 30 मई 2024 को राजकीय ATM आ रही है। जो बच्चे मैंने जो ट्रेड बताया है उस ट्रेड के, जो मैंने सिविल ब्रांच बताया है डिप्लोमा के लिए या बीटेक के लिए, उस ब्रांच के होंगे, डिप्लोमा वालों की सैलरी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और बीटेक वालों को उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो बच्चे ज़रूर प्रतिभाग करें, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेसन ट्रेड वाले बच्चे जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली थी वो बच्चे भी प्रतिभाग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए आगे भी वीडियो बना के देता रहूँगा। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।